चंदन क्यारी प्रखंड सभागार में प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी के नेतृत्व में मुखियागण और पंचायत समिति सदस्यों ने एक बैठक आयोजित कर नए बीडीओ राजीव कुमार सिंह का गुलदस्ता और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं प्रखंड प्रमुख से लेकर सभी उपस्थित मुखिया और पंचायत समिति ने सदस्यों को बीडीओ ने 2 घंटे से अधिक जनप्रतिनिधियों को इंतजार कराने और उनको प्रमुखता से कार्यालय बुलाने पर बीडीओ नहीं जाने पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने काफी नाराजगी जताई। हालांकि बीडीओ को जनप्रतिनिधियों के नाराजगी की भनक लगने पर प्रखंड प्रमुख के कार्यालय पहुंचकर प्रमुख समेत सभी को प्रखंड सभागार बैठक के लिए बुलाया गया। प्रखंड सभागार में प्रमुख समेत मुखिया संघ अजय रजवार समेत सभी मुखिया और पंचायत समिति सदस्य ने बीडीओ को माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान प्रमुख ने बीडीओ को चंदन क्यारी में विकास कार्य को तेज गति से करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि पूर्व बीडीओ अजय कुमार वर्मा ने तबादला होने के बाद प्रखंड के सारे विकास कार्य ठप हो गए हैं। बीडीओ ने सभी को आश्वासन देते हुए कहा कि अभी इलेक्शन की तैयारी को लेकर काफी व्यस्त है, फिर भी चंदन क्यारी के विकास कार्य पर कोई विलंब नहीं होगा। मुख्य से स्वागत करेंगे हमारे हम आज जो प्रखंड में प्रमुख जी और समिति और सभी मुखियागण की सामूहिक जो उपस्थिति हुई, स्वागत कार्यक्रम हुआ, उसके लिए सबको हम तहे दिल से आभार करते हैं। और ये अपने आप में बहुत ही अच्छा ब्लॉक है, इसकी जो प्रशंसा है दूर तक है। ये सचमुच में चंदन की क्यारी है और जिसकी खुशबू जो है वो दूर तक सुगंधित करता है। परिचय हुआ और काम की व्यस्तता तो प्रखंड में बहुत रहती है, प्रमुख साहब ने भी इसको आए और हम लोग 2 बजे उनके स्वागत के लिए हम अपना कार्यालय में बैठे थे और हमारे मुखिया संघ के सभी मुखिया लोग और मुखिया संघ के अध्यक्ष सचिव और हमारे पंचायत समिति के सभी साथीगण हम लोग बैठे थे कि हम लोग ये नए बीडीओ साहब आए हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनसे हम लोग थोड़ा मिले और उनका मान लीजिए उस दिन जिस दिन हम लोग का अजय वर्मा जी का विदागिरी हो रहा था उस दिन ये जिला चल गए थे कुछ काम से और हम लोग चाह रहे थे कि बीडीओ साहब को कुछ हमारे प्रखंड में समझ